हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल चश्मा बुटीक पर। और आज के वीडियो में हम लोग बो बनाना सीखने वाले हैं, जिसको कि यूज़ करके आप लोग अपने नेक के डिज़ाइन को इन्हेंस कर सकते हैं। स्लीव में इसका यूज़ कर सकते हैं, पैंट के बॉटम के डिज़ाइनिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये फैब्रिक ले लेंगे, जिसकी लेंथ हमने 6 इंचेस रखी है, वेट रखी है 12 इंचेस। अब हम इसको डबल में फोल्ड कर लेंगे, जिससे कि हमारे पास एक स्क्वायर पीस आ जाएगा। और इसकी तीनों साइड हमें स्टिच लगानी है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना बड़ा वो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लेंथ और वेट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी होनी चाहिए स्क्वायर पीस के इसमें ही। और अब हम इसके तीनों साइड स्टिच लगा लेते हैं। यहाँ पर लास्ट स्टिच में आपको थोड़ा स्पेस छोड़ना है, जिससे कि हमें इसको पलटना है। इसके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर देंगे और हल्के हल्के छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और फिर हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उनको हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे, जिससे कि हमारी फिनिशिंग कॉर्नर्स अच्छे हैं। और ये निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको टॉप स्टिच लगा देने हैं, जिससे कि हमारा जो ओपन एरिया था वो भी क्लोज हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसके सेंटर पे एक निशान लगाना है। सेंटर पे निशान लगाने के बाद वहाँ पर हमें छोटी छोटी गैदरिंग्स लेते हुए एक 25 सिलाई लगानी है, 5 नंबर की सिलाई जिसको कि बोला जाता है। हल्की हल्की सी गैदरिंग्स लेते हुए आप इसके स्टिच लगा लीजिए पूरे में। तो इसके बाद इसका जो फिर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हम देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो कंट्रास्टिंग फैब्रिक है, जो भी फैब्रिक से आप इसके सेंटर में लेना चाहें वो फैब्रिक आप ले लीजिए और इस पर स्टिच लगा लीजिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया। और इसको पहले हम इसके साइज़ को नाप लेंगे कि हमारा वो बन जाएगा इसमें या नहीं आ जाएगा। इसके बाद कट कर लेंगे और इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको हमने प्रेस लगा लिया। प्रेस लगाने के बाद अब हमें इसको बो के सेंटर में, जहाँ पर हमने स्टिच लगाई थी वहाँ पर सेंटर में सेट करेंगे और इसको पकड़ के दोनों साइड अच्छे से इसके स्टिच लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद इसको हम हल्का में पलट देंगे, जिससे कि क्या होगा, जब फैब्रिक अंदर चला जाएगा हमारा फिनिशिंग से हमारा सेंटर तैयार हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा वो बन के रेडी हो चुका है। और ये बनाना बहुत ही आसान है और देखा आपने कितनी जल्दी बनकर ये तैयार हो गया। इसको आप डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पैंट के बॉटम के लिए डिज़ाइनिंग यूज़ करी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू।